हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ट्रेन की टिकट तत्काल बुक करनी है तो किस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आप तत्काल की ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि आप किस प्रकार से घर में बैठे बैठे ही तत्काल की ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि तत्काल की ट्रेन की जो बुकिंग है वो एक दिन पहले होती है और उसका टाइमिंग भी फिक्स रहता है, जो कि 11 बजे से रहता है, सिर्फ एक घंटे में रहती है। और कुछ ट्रेन के अकॉर्डिंग सीट्स रहती हैं, जो कि आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आप तत्काल की ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा किस प्रकार से आप तत्काल की टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC जो ऐप है उसके माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये IRCTC का ऐप है जिसके माध्यम से आप कोई सा भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो सिंपली इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, और ये पिन मांग रहा है, पिन भी मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, और ये कैप्चा भी मैं फिल कर देता हूँ, जो कि एक क्रेड भरना होता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये थोड़ा सा भी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक होता है, आप कैपिटल को स्मॉल में भी लिख देते हैं तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और एकदम आप मिस्टेक के बिना ही आप अगर काटते भी हैं तो भी ये नहीं लेता है। मतलब एक बार में एक बार एकदम एक्यूरेट फील करना है, ठीक है। अब गाइस, आपको तत्काल की ट्रेन की टिकट की बुक करनी है तो आपको ट्रेन के वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है, जो कि सबसे ऊपर ही दिखेगा। फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बुकिंग टिकट, माई टिकट बुकिंग्स, या पिन आर इंक्वायरी, कई सारे ऑप्शन हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ है। तो आपको तत्काल की ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो वही प्रोसेस है, आपको बुक टिकट्स पे क्लिक कर देना है। आप जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हैं, जहाँ से ये मेरा स्टार्टिंग स्टार्ट है और यहाँ से मेरे को यहाँ तक जाना है, तो जैसे कि देख सकते हैं मुझे कटनी से जाना है, मान लीजिए नागपुर, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक दिन पहले करना है गाइस। तो देखिए यहाँ पे 23 की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, अब मैं यहाँ पे 24 की डेट को मुझे जाना है, तो एक दिन पहले मतलब आज 23 तारीख है, जैसे कि आप देख सकते हैं 23 तारीख है। अब यहाँ पे मुझे सर्च कर देना है। अब जितनी भी ट्रेन चल रही होंगी उस डेट को तो वो सारी शो होने लगेंगी गाइस। पर ये तो वो वाली ट्रेन हो गई जो हम रेगुलर करते हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सीट्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, देख सकते हैं ये वेटिंग में चल रही हैं। पर आप अगर तत्काल में करते हैं तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाती है बिना कोई, और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लगता है गाइस, 100 रुपीज़ शायद एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। पर ये है कि अगर आपका लंबा सफ़र है तो आपको एक सुविधा प्रोवाइड हो जाती है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता आपको, थोड़ा सा ज़्यादा पैसों में ट्रेन मिल जाती है, मतलब सीट मिल जाती है। तो गाइस, आपको तत्काल की ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिल रहा होगा, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो यही करना है कि जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सबसे ऊपर ऑप्शन है जनरल, फिर लेडीज़, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं तत्काल लिख के आ रहा है, यहीं पे आपको गाइस क्लिक करना है। अब आपको उस डेट में जितने भी ट्रेन्स होंगी, मतलब तो ऑलरेडी वो पहले की ट्रेन है वो सब हैं, ठीक है। पर अब जो सीट्स दिखाएगा वो तत्काल की दिखाएगा, जैसे कि देख सकते हैं मैं सबसे ऊपर वाली ट्रेन पे ही मुझे जाना है, जिसका नाम है रीवा ITR एक्सप्रेस, और इसका ट्रेन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो 186 सीट्स मुझे अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगी, पर ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे यहाँ पे मेरा अभी 10:38 हुआ है, अगर ये 11 बजे होगा तभी से ये स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, एक बात चीज़ बता दूँ आपको, आपको ये जल्दी से प्रोसेस करनी होगी तभी आपकी ट्रेन टिकट जो होगी कंफर्म होगी, क्योंकि इसमें इतनी भीड़ होती है, यहाँ तक कि ऑफलाइन ऑनलाइन इतनी जल्दी जल्दी करते हैं, 100 सीट बुक होने में टाइम ही नहीं लगता गाइस। तो अब देख लीजिएगा, और गाइस आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि दूसरी ट्रेन यहाँ पे देख रहे होंगे इस पर कितनी सीट्स है, ये ट्रेन के अकॉर्डिंग रहता है कितनी अवेलेबल है कितनी नहीं है। इसमें देख सकते हैं कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है, मतलब आपको ट्रेन के चलने के पहले एक दिन बुक करना होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 25 तारीख को यहाँ पे कर सकते हैं, और ये देखिए 96 सीट्स अवेलेबल हैं इसकी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको ये वाली ट्रेन का भी दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं इसमें अवेलेबल नहीं है, तो कुछ में पहले आपको करना होगा, क्योंकि ट्रेन का जो लंबा सफ़र होता है उसके एक दिन, कोई कोई ट्रेन दो दिन का सफ़र करती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तत्काल की ट्रेन टिकट बुक होती है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे यही वाली ट्रेन पे जाना है, अब देख सकते हैं 186 इसका वेट मतलब अवेलेबल है सीट्स। अब देख सकते हैं अभी ये चालू भी नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस तो हो रहा है जो कि 395 रुपये है, और यहाँ पे मैं पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा बुकिंग नॉट येट स्टडे फॉर सेलेक्ट कोटा,
एंड क्लास प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ये चीज़ लिख के आ रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी टाइमिंग नहीं हुआ, 11 जैसे ही बजेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ 11 बजे के बाद। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं 11 बज चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का 180 लिख के आ रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, बुकिंग स्टार्ट हो गया। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरे पैसेंजर्स की डिटेल्स पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे पहले से एंटर कर लिया है और अब इसे मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे जल्दी फास्ट करना है। अभी भी देख सकते हैं 41 अवेलेबल बता रहा है, मतलब इतनी फास्ट ये बुकिंग हो रही है। अब यहाँ पे मैं OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, आप कैप्चा के माध्यम से भी करेंगे तो हो जाएगा। जो नीचे कैप्चा है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटर OTP करना होगा, तो जो भी है तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो जैसे मेरा है 2412, तो यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ 241244, इसको फिर यहाँ पे यस कर देना है। अब देख सकते हैं अमाउंट, अब किसी भी माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और सभी के पास फ़ोनपे तो होता ही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कर लीजिए, इसी को चूज़ कर लीजिए। और इस फ़ोन में मेरे फ़ोनपे नहीं है तो मैं दूसरे के नंबर पे फ़ोनपे से करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करने के बाद उस फ़ोनपे नंबर पे OTP जाएगा, तो यहाँ पे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन बंदे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ OTP, जो कि मेरा ही फ़ोनपे है ये। अब यहाँ से मैं इस फ़ोनपे नहीं चलाता हूँ, इस कारण से वो उस फ़ोनपे जाएगा ये नंबर से। तो यहाँ पे मैं OTP इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ से मेरे को 601 रुपये कटेगा और इस टाइम के अंदर आपको ये पेमेंट जल्दी से जल्दी कर देना होगा, ठीक है ना गाइस। तो ये टाइमिंग चल रहा है और इसके अंदर ही आपको पूरा पेमेंट कर देना है। तो इस यही वाला जो फ़ोन पे में आपके में अपने आप ही पॉपअप जाएगा और आपको पेमेंट कर देना है कंफर्म, ठीक है ना। तो 601.80 पैसे यहाँ पे कट रहे हैं। ये तत्काल में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है पर आपको सुविधा मिल जाती है गाइस, तो ईज़िली आपका हो जाता है यात्रा का सफ़र। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं डन कर दिया। अब देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोसेस आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टिकट कंफर्म मिल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन की सीट्स और जो बोगी नंबर है वो भी यहाँ पे सोने लगा, और ऊपर भी देख सकते हैं मेरे मैसेज भी मिल गया है कि आपका जो है कंफर्म हो चुका है गाइस। तो इस प्रकार से आप इजीली तत्काल की सीट्स बुक कर सकते हैं गाइस। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है गाइस, अगर आप तुरंत इसे चेक करते हैं माई बुकिंग में जाके तो आपको ये तुरंत शो नहीं होगा गाइस, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस होता है, 1 घंटे का टाइम दीजिए तो उसके बाद ही शो होता है। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मैं जब किया तो मुझे लग रहा था कि मेरा कंफर्म नहीं हुआ क्या, तो आप 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो आपको ज़रूर शो होगा। आपको मैं फ़िलहाल अभी मैसेज के थ्रू तो आपको दिखा देता हूँ कि कंफर्म मेरी सीट हुई कि नहीं। तो सबसे नीचे ही मैसेज है और देख सकते हैं PNR नंबर के साथ ही मुझे यहाँ पे ट्रेन का टिकट वगैरह सब शो हो रहा है और पैसेंजर के नाम के साथ ही सब कुछ शो हो रहा है। आई होप इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ट्रेन की टिकट बुक की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।